अभी हमेशा यहाँ पे दो प्रोग्राम होता था, एक जुलाई में अजय सिंह महाराज जी का पुण्यतिथि आराधना और एक बाबा सोमनाथ महाराज जी का दिसंबर में पुण्यतिथि आराधना, ये दो ही यहाँ पे मनाया जाता है मुख्य। और काफ़ी लोग संगत 2-3 हजार संगत तक जमा होती थी, लेकिन कुछ कारण के बसात आप सबको मालूम है एक महामारी बीमारी आई, ये काल का प्रकोप। जब जब दुनिया में पाप ज़्यादा होता है, पुण्य की कमी होती है, तब ऐसे प्रकोप आते हैं, कुछ विनाश का कारण होता है, या तो महायुद्ध हो जाता है, विश्व युद्ध, या तो कोई कोई काल ऐसी बड़ी बीमारियां लाके डाल देता है कि जैसे बहुत सारे जो कुछ ऐसे जीव हैं उनका विनाश हो जाता है। तो अब देखो हर कहीं कोई भी जगह खाली नहीं जाए, ये कोरोना का ये नहीं हो। विदेशों में भी बहुत सारे लोग गुजर गए, इसमें बहुत लोगों का नाश हुआ और आज भी हो रहा है। तो ये सब काल का प्रकोप है, ये दुनिया काल की नगरी है, हम उसकी नगरी में रहते हैं, उसका प्रभाव हम सब पे भी पड़ सकता है। तो इसीलिए ये तो सद्गुरु की कृपा है कि संगत को जगह जगह उन्होंने सुरक्षित रखा है। आज तक किसी भी विदेशी लोगों का भी कंप्लेन नहीं आया कि कोई कोरोना में मरा हो। गुरु सबकी रक्षा कर रहे हैं और आगे करेंगे भी। तो आज एक दिन का सत्संग करने का अधिकार मिला है DSP के पूछने के कारण से। हम लोगों ने प्रार्थना किया था कि तीन दिन मनाते हैं भंडारा, तो कम से कम एक दिन भंडारा बनाने का तो टाइम मिले। तो उन्होंने कहा 400-500 लोग जमा हो सकते हैं, उससे ऊपर मत नहीं करो, और लोग मास लगा के आए। तो हम भी सोचे कि अभी कोरोना का समय, इतना लोग तो नहीं आएंगे, एक दिन का प्रोग्राम है। लेकिन संगत तो सत्संग के लिए तड़प रही थी, अभी सत्संग है बोल के सुनते ही काफ़ी लोग आ गए। अभी संगत को कोई रोक तो नहीं सकता। तो बहुत खुशी हुई, चलो जो एक दिन का मौका मिला है कुछ गुणगान संतों के, गुरु का गुणगान करने का, उसका लोग लाभ उठाएंगे। तो आज स्वामी जी महाराज जी की वाणी है, पहले हिंदी में लेंगे फिर बाद में तेलुगु में सत्संग सुनाएंगे। समझ कर चल जगत को मान मद त्याग मन परम संत सदगुरु स्वामी जी महाराज जी की वाणी है। सब संत हमेशा एक ही एक संदेश, एक ही एक उपदेश लेकर के दुनिया में आते हैं। उनका दुनिया में आने का उद्देश्य हम आप जैसे भूली हुई आत्माओं को जागृत करना। कहते हैं कि जागृत करने का मतलब जो कुछ भी सच्चाई है उसको बता करके जीवों को इन दुनियावी मोह से अलग करके भक्ति की तरफ मोड़ करके उस मालिक के पास ले जाना। संतों का उद्देश्य ही है इस काल जाल से निकाल के सत्पुरुष के देश में लेके जाना।
तो यही स्वामी जी महाराज संदेश देते हैं कि भाई आप इस काल और माया के जाल में बड़ी बुरी तरह से फंस गए। काल ने आपको बहुत बुरी तरह से दुनिया में बांध के रखा है, वो मोह की रस्सी, मोह माया के जाल में बांध के रखा है। अब इससे निकलने का एक ही उपाय है, सद्गुरु का शरण। तो इसीलिए कहते हैं समझ कर चल जगत खोटा, कहते यहां तो आप अच्छी तरह से विचार करके चलो, दुनिया झूठी है, खोटा झूठा। हम देख रहे हैं सबको सच नजर आ रहा है, लेकिन ये सच नहीं है। अगर सच होता तो हम क्यों छोड़ के जाते। आज हमारे बाप दादा चले गए, कल हमें भी यहां छोड़ के जाना पड़ेगा, तो इसको क्या सच माने। रात का सपना घंटे आधा घंटे का होता है, ये थोड़ा 60-70 साल का है तो सपना ही है। देखते हैं, देखते देखते बालपन गया, किशोर अवस्था आया, पठन पाठन में चला गया, जवानी आई, कारोबार व्यापार बिजनेस में लग गए, रात दिन बाल बच्चों की चिंता में गए और बुढ़ापा देख के रोया। फिर चौथा स्टेज बुढ़ापा बहुत दुखदाई होता है, जिस स्टेज से इन सब जीवों को गुजरना पड़ता है। तो इसीलिए स्वामी जी महाराज जागृत करते हैं समझ कर चल जगत खोटा, और कहते हैं अच्छा तरह विचार करके इस दुनिया में चलो, क्यों झूठे चीजों के अहंकार में फंसे हो। मेरा मेरा मेरा, ये अहंकार, कहते हैं ये भी 4 दिन का है, कहते इसका त्याग करो। और वो सद्गुरु मालिक के नाम से प्रेम प्यार करो, जो तुम्हें इस दुख से हमेशा के लिए बचाएगा, तुम्हें अपने पिता परमात्मा की गोद में ले जाएगा, तुम हमेशा के लिए सुखी हो जाओगे। वो क्या चीज है? मालिक का नाम स्मरण, सद्गुरु का ध्यान। ये दो रास्ता संतों ने हमें बताया है इस दुख से छुटकारा पाने के लिए। महात्मा कहते हैं भाई दुनिया भी कारोबार करो, बाल बच्चे में रहो, नौकरी करो, बिजनेस करो, खेती करो, गृहस्थी करो, कुछ भी करो, 2.5 घंटे उठ के अपने काम के लिए, अपने आत्मा के उद्धार के लिए 2.5 घंटे समय दो। वो 2.5 घंटा, 24 घंटा हम दुनिया भी कारोबार करें कोई बात नहीं, 2.5 घंटे अपने आत्मा के उद्धार के लिए दे तो काफी है। तो गुरु खुश होता है, जब गुरु का हुक्म मानते हैं तो गुरु खुश होता है, वो दया करता है। लेकिन हम गुरु का हुक्म नहीं मानते, हम मन का हुक्म मानते हैं। मन जो कहता है वो करते हैं, गुरु जो कहता है वो नहीं करते। तो इसीलिए कहते हैं कि ये मान मद त्याग मन मोटा, कहते हैं कि ये अहंकार छोड़ दो, नहीं तो काल के सोटे खाने पड़ते, अंदर यमदूतों के मार खाने पड़ते हैं। जो हम दुनिया भी चिंतन करके यही आशा लेके जाते हैं तो अंदर काल यमदूत मारते हैं कि भाई ये 4 दिन के लिए तुम्हें दिया गया था, ये तुमने अपना कैसे बना लिया, वो डंडे मारते हैं। क्योंकि दुनिया सामान को मेरा मेरा अपना अपना करके बैठ गए, और इसीलिए हमें अंदर मार खानी पड़ती है। तो इसीलिए महात्मा कहते हैं कि कुछ भजन सुमरन कर लो, ये जो समय मानव शरीर का परमात्मा ने दिया है ये मुक्ति का दरवाजा है, सीढ़ी का आखिरी डंडा है, एक पैर उठाए छत पे पहुंच जाएंगे, पार हो जाएंगे।
एक पैर फिसल गया, फिर पृथ्वी पे आके गिरेंगे, फिर 84 वो सीढ़ी चढ़ना पड़ता है छत पे जाने के लिए, यानी 84 का चक्कर लगाना पड़ता है। तो इसीलिए महात्मा कहते हैं 84 का चक्कर लगा के ही मानव शरीर में आए हैं। अब ये मानव शरीर इस दुख से छुटकारा पाने के लिए दरवाजा है, मुक्ति का दरवाजा है। अगर इसमें हम मुक्त नहीं हुए, फिर और कोई शरीर में हम मुक्त होने का चांस नहीं है। तो इसीलिए महात्मा हर तरह से हमें जागृत करने की कोशिश करते हैं। जी समझ कर चल जगत को मान मद त्याग मन मोटा खुदी को छोड़ नहीं टोटा भक्ति कर खाए क्यों सोटा। तो इसीलिए कहते हैं खुदी को छोड़, कहते इसमें अहंकार छोड़ दो, इसमें आपका कोई नुकसान नहीं, उससे कोई टोटा नहीं, कोई नुकसान नहीं। नहीं तो ये अहंकार करके जीव जो जाता है तो अंदर यमदूतों के लाठी खानी पड़ते हैं। तो इसीलिए महात्मा जागृत करते हैं कि इसे छोड़ दो, इसमें नुकसान नहीं फायदा है। अहंकार छोड़ के कहते सब मालिक तेरा है, ये जो कुछ भी तू दिया है सब तेरा है, मेरा ये शरीर भी तेरा ही है। हाँ, और तू जैसे रखे वैसे राजी, तू जो कुछ मुझे देना चाहता है दिया है, और तू जैसे रखता है मुझे खुशी है, मुझे मेरी कोई इच्छा नहीं। मालिक की मौज में रहना, भजन सुमरण करना, क्योंकि आशा ही है हमें निराश करती है। आशा ही है बार बार दुनिया में के जेल खाने में लेके आती है, 84 में भटकाती है। वो क्या चीज है? आशा। क्योंकि ये आशा कभी तृप्त नहीं होती। आज लाख मिले 10 लाख की आशा बढ़ जाती है, 10 लाख मिले करोड़ की आशा बढ़ जाती है, करोड़ मिले 10 करोड़ की आशा बढ़ जाएगी, 10 करोड़ मिले दुनिया का वाली बनने का, ये कभी शांत नहीं होता है। तृष्णा रूपी आग, तो इसीलिए कहते हैं ये तृष्णा रूपी आग जो जल रही है, कहते इसको त्याग दो, इसमें आपका फायदा है। ये काल और माया के धोखे हैं, माया ने तृष्णा रूपी आग अंदर रखी है जीव को फंसाने के लिए, कहते इसके त्याग में आपका फायदा है। तो हर समय महात्मा हमें समझाते हैं कि दुनिया में रहो। महात्मा ये नहीं कहते भाई दुनिया भी कारोबार छोड़ दो, जो भी महात्मा हो गए दुनिया में रह के हो गए। तुकाराम जी भी बाल बच्चे में रहे और बहुत दुनिया भी कारोबार किया, खेती किया, व्यापार किया, बिजनेस किया, सब कुछ किया, नौकरी भी किया, सब कुछ किया, और लेकिन मालिक का नाम सुमरण करते हुए। तो कहते हैं आप भी दुनिया में रहो, बाल बच्चे में रहो, सोच लो ये जो कुछ कुटुंब परिवार है गुरु का है, मुझे जो कुछ भी सामान मिला है ये भी मालिक का ही है, मेरा कुछ नहीं, बस सुमरण करते हुए रहो। जब आपका किसी चीज से लगाव नहीं है तो आप इसी जन्म में मुक्त हो, क्योंकि ये हमारी आशा, हमारा दुनिया का मोह, दुनिया का प्रेम प्यार दुनिया में लेके आता है। क्योंकि महात्माओं ने सरल कहा है, जहाँ आशा तहाँ वासा, जहाँ हमारी आशा होगी हमें वहाँ आना ही पड़ेगा, बार बार पैदा होना पड़ेगा। तो हमारी आशा ही दुख का कारण बनती है। तो कहते इस आशा को छोड़ दो तो आपका कोई नुकसान नहीं, फायदा ही है। निराश, आशा से रहित कर्म दो तरह के होते हैं, निष्कर्म सकर्म। सकर्म होता है कोई फल की आशा करके जो काम करते हैं वो सकर्म है, हम ऐसा करेंगे तो इसका फल हमें ये मिलेगा, इस कर्म से हमें ये फायदा मिलेगा, आशा लेके करते हैं वो सकर्म है। निष्कर्म वो है
जो कोई भी आशा लेके नहीं, अपना ड्यूटी समझ के करते हैं। ये हमारी ड्यूटी है, बाल बच्चे का पालन करना भी ड्यूटी है, खेती गृहस्थी करना भी ड्यूटी है, मालिक सब तेरा है ड्यूटी। तो वो निष्कर्म कर्म है, उसमें आशा नहीं है तो बंधन का कारण नहीं बनता है, ये जीव मुक्त हो जाता है। लेकिन सकर्म जो आशा रख के कोई कर्म करते हैं, अभी हम तिरुपति जाते हैं आशा रख के ही जाते हैं, हमारा ये लाभ हो जाए, हमारा ये फायदा हो जाए, हमारा व्यापार अच्छा चले, तो वहाँ आशा, तो आशा वो दुनिया में आने का कारण बनता है। और निष्कर्म कर्म, आशा से रहित कर्म ही निष्कर्म कर्म है। महात्मा भी कर्म करते हैं, वो भी बाल बच्चे में रहते हैं, खेती करते हैं, नौकरी किया, जयमल सिंह महाराज ने रिटायरमेंट तक नौकरी किया, सावन सिंह महाराज ने रिटायरमेंट तक नौकरी किया, आज भी बहुत सारे महात्मा लोग हैं जो नौकरी करते हुए भक्ति कर रहे हैं। तो करने का मतलब ये सब हमारे रुकावटें पैदा नहीं होती हैं जब हम निष्कर्म हो जाते हैं। मालिक सब तेरा, मेरा कुछ नहीं, तो बस निष्कर्म कर्म, आशा से रहित, उसका ये हमें फल मिलना, इसका आगे ऐसा कुछ लाभ होना, ऐसा कोई आशा ना रहे, तो वो निष्कर्म कर्म होता है। तो कहते निष्कर्म कर्म ही संत करने के लिए बताते हैं। लेकिन निष्कर्म कर्म कब होगा, जब आप सुमरण ध्यान करके 9 से 10 में आ जाएंगे, आपकी तीसरी आंख खुल जाएगी, गुरु और प्रकाश माने शब्द प्रकट हो जाएगा। जब अंदर गुरु को देख लेंगे आपको भरोसा आ जाएगा, हो मैं कुछ नहीं, करने कराने वाला कोई और है, तो ऑटोमेटिक हम सब कुछ उस पर डाल देते हैं। और निष्कर्म कर्म, हम निष्कर्म योगी हो जाते हैं। लेकिन जब तक हमें अंदर में गुरु प्रकट नहीं है, तब तक निष्कर्म कर्म करना भारी है, क्योंकि हमें भरोसा नहीं आता है। बाहरी गुरु तुम्हें रास्ता बताएगा, सत्संग के जरिए तुम्हें बहुत कुछ, सत्संग के जरिए बहुत कुछ समझाएगा, कैसे रहना, कैसे चलना, दुनिया भी में रहते हुए कैसे चलना, ये सारी जानकारी महात्मा सत्संग के जरिए ही देते हैं। लेकिन आंतरिक गुरु, ओ नूरानी गुरु, जिसका शरीर दिखता है लेकिन शरीर नहीं होता है, सब प्रकाश ही प्रकाश होता है, कहते वो स्वरूप जब देखते हैं तब हमें भरोसा आता है, भरोसा आ जाता है गुरु के ऊपर, गुरु की शक्ति का मालिक है, तब जाके हमें ऑटोमेटिक हमारे अंदर वो ताकत पैदा होती है, जो ताकत एक गुरुमुखों में जरूरी है, गुरुमुख के अंदर जरूरी है। तो इसीलिए स्वामी जी महाराज समझाते हैं कि भाई जो कुछ गुरु कहता है वो करो, इस मन के दायरे में कर्म करके काल के सोटे मार क्यों खाते हो, 84 की जेल खाने में क्यों भटकते हो। जी खुदी को छोड़े नहीं टोटा, भक्ति कर खाए क्यों सोटा, करो सत्संग गुरु के तो वही कहते हैं कि जो गुरु आपको दिया है सुमरण ध्यान भजन का तरीका वो करो, और अपनी आत्मा को धीरे धीरे ऊपर लेके आओ। कहते हैं आकाशवत, जो बाहर आकाश है हमारे अंदर में भी है। जब हमारी रूह शरीर खाली कर देती है
हमारे तीसरे तिल पे आ जाती है, दोनों आँख खुलते हैं तो ये आकाश नजर आता है, जो बाहर आकाश है हमारे अंदर में भी नजर आता है। तो हमारी रूह वहाँ से ऊपर आकाशवत होती है, तो सूर्यमंडल, चंद्रमंडल और नक्षत्र मंडल पार करके ही जब आगे जाती है तो गुरु का दर्शन होता है। ओ नूरानी सदगुरु वहाँ बैठा है, लेकिन कौन? जो आपको नामदान दिया है वही गुरु वहाँ बैठा है, लेकिन उसका रूप रोम रोम से कहते हैं करोड़ों सूर्य का प्रकाश निकलते रहता है, जो प्रकाश ऐसा रूप गुरु का होता है और नूरानी स्वरूप कहते हैं शब्द गुरु। यहाँ तो शरीर गुरु है, वहाँ शब्द गुरु है, वो शब्द रूप है गुरु, उसके रोम रोम से प्रकाश बाहर आते रहता है। तो कहते हैं ऐसे गुरु का दर्शन होता है। तो एक बार गुरु प्रकट हो जाता है तो एक जन्म नहीं, करोड़ों जन्मों के पाप दग्ध हो जाते हैं, कट जाते हैं और हमारी रूह निर्मल पवित्र हो जाती है, एकदम पवित्र हो जाते हैं। तो कहते हैं कि इस तरह से जब आप भजन सुमरण करोगे तो कहते हैं कि आप सुमरण भजन करके लो गगन झोटा, आकाश में अपने रूह को चढ़ाओ, आकाश के ऊपर आओ। ये दुनिया में दुख ही दुख है और वहाँ आनंद ही आनंद है, वहाँ ज्योति भी प्रकट हो जाएगा, शब्द भी प्रकट हो जाएगा। तो कहते इस तरह से अपने रूह को चढ़ाओ, 9 से 10वें में आओ और 10 से आकाशवत हो। जब आपकी तीसरी आँख खुलेगी तो आपको आकाश नजर आएगा, चिदाकाश। हमारे अंदर 7 आकाश हैं, ये तो 1 आकाश है, हमारे अंदर 7 आकाश है चिदाकाश। तो कहते उस पर हमारी रूह चढ़ाई करते हैं और आगे जाके गुरु का दर्शन होता है। तो वही आप इशारा देते हैं कि इस तरह से ले गगन झोटा, अपने रूह को आकाशवत करो। ये काम 1-2 दिन का नहीं। कुछ लोग पूछते हैं कि महाराज कितना दिन भजन बैठे तो फायदा मिलेगा। वो सोचते हैं 6 महीने एक बार मेहनत कर दे तो शायद दरवाजा खुल जाए। कहते नहीं भाई, ये तो अपने अपने प्रेम, गुरु के चरणों से प्रेम लगाओ, विरह। जैसे जैसे ज़्यादा प्रेम सदगुरु के चरणों से लगाव होगा, आपके अंदर गुरु से मिलने की तड़प होगी, विरह होगी, तो वैसे वैसे उसको जल्दी होता है, किसी को लेट होता है। हमारा प्रेम प्यार तो दुनिया के रंग में रंगा है। हम रात दिन दुनिया की चिंता से जुड़े, घर में कोई बीमार हो गया तो भी हम कहते हैं कि गुरु ने हमारी मदद नहीं किया, छोड़ो गुरु को। तो हमारा ऐसा प्रेम है, क्षणिक प्रेम है, जो दुनियादार के बराबर भी गुरु को नहीं समझता है। तो फिर गुरु कैसे उससे राजी होगा? एक दुनियादार को ही बड़ा मानता है, परिवार को ही बड़ा मानता है और वहाँ पे गुरु भक्ति से दूर होने के लिए तैयार हो जाता है। ये कौन सा गुरुमुख है और कौन सा गुरु उस पर खुश होगा? तो कहते नहीं, ये दुनिया का जो कुछ सुख दुख हैं हमारे कर्मानुसार आते हैं, ये आप गुरु के पास जाओ तो भी आएंगे, गुरु के पास नहीं जाओ तो भी आएंगे, जो प्रारब्ध में लिखा है वो होके रहता है। अभी देखो, रामचंद्र तो अवतार थे, पारब्रह्म के बोलते अवतार हैं, तो उनके ऊपर दुख क्यों आ गई? कहते ना कि मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी सोध के लगन धरी, सीता हरण मरण दशरथ को वन में विपद परी, कर्म गति तारे नाही तरी। कबीर साहब ने कहा,
कि वो अवतार थे लेकिन उनके ऊपर भी इस मानव शरीर में आने के कारण से उनको भी उसका हिसाब चुकाना ही पड़ता। ऐसे त्रिकाल ज्ञानी वशिष्ठ ब्रह्मा के मानस पुत्र थे। वो ब्रह्म ऋषि जिनकी तीसरी आंख खुली थी, ऐसे महापंडित और उनके कुल गुरु होते हुए भी राम को मुहूर्त निकाले थे। कल 11:20 का अच्छा मुहूर्त समय है राम को सिंहासन पे बिठाने का, आनंद मनाने का, और वही समय दुख का कारण बना। सेम वही मुहूर्त समय पे जो आनंद लेने के लिए निकाला था वही दुख का, उसी समय राजा दशरथ के प्राण गए और राम सीता लक्ष्मण सुकुमारी सीता लक्ष्मण के साथ वनवास निकले। तो दुख, एक तो पिता मरने का दुख, दूसरा इस सुकुमारी राजकन्या जो कभी जंगल का मुंह भी नहीं देखी थी उसको अपने साथ लेके जंगल में जाना, तो दुख पे दुख पड़ी, विपद पे विपद पड़ी। क्यों? कर्म गति टारे ना ही टरी, जो विधि विधान में लिखा होता है वो हटाने से नहीं हटता है। वो तो कोई गुरुमुख हो तो संतों की कृपा से ही दूर हो सकता है। एक बार सावन सिंह महाराज जी के एक लड़के को फांसी लगा के मरना था, तो जयमल सिंह महाराज, अभी थोड़ा ही दिन बाकी रह गए, तो जयमल सिंह महाराज ने बेबी रुको को बताया कि बेबी बरखुरदार पे बड़ा संकट आने वाला है। तो बेबी घबरा गए, महाराज क्या बात है? बोले उनके लड़के फांसी लगा के मरने का है, ये प्रारब्ध में है। तो कहते अरे महाराज ऐसा हो जाएगा, वो गुरुमुख है, उसका मन हिल जाएगा, आप दया करो। क्या दया करना, वो लिखित है। कहते आपसे बढ़ के कुछ नहीं है, आप चाहे तो हटा सकते हैं। तब कहते हैं कि अच्छा ठीक है, उसको बुलाओ। बुलाया आश्रम, तो एक नीम के पेड़ के ऊपर रस्सी डाल के दूर खड़ा करके उसके गले में फांस डाला और बेबी रुको को हाथ में दूर दिया, बोला खींचना, जब मैं कहूंगा खींच तो खींचना, नहीं मैं खींचूंगा तो तू एक ही बार में उसको काट देना। तलवार दिया, बहुत अच्छा तलवार, और रस्सी को एक ही बार में काट देना। तो बोला अच्छा महाराज ठीक है। तो वहां पे उस लड़के गले में फांसी डाला, महाराज रस्सी लेके दूर खड़े होके बोले अच्छा बेबी मैं अभी खींच रहा हूं तो वार कर। तो जैसे उन्होंने खींचा, बेबी ने तलवार से मारा, जो उस बहुत हट्टी कट्टी थी बेबी को, करीब पहलवानों का ताकत था, मैं एक जोर से मारा और रस्सी दो टुकड़ा हो गया, बोले बस अब हो गया, जाते कट गया उसके, लगा दिया ना वो कट गया। तो ऐसा उन्होंने उस इस इसको दूर किया था। तो कहते हैं कि जो लिखित है, चाहे सत्संगी हो चाहे कोई भी हो, वो प्रारब्ध का हिसाब उनको खुद देना पड़ता है। लेकिन फिर भी अगर वो गुरु से उसकी लगन है, रात दिन गुरु के चरणों से प्रेम प्यार करता है, तो ऐसा ये हम जो कुछ कर रहे हैं ये गुरु भक्ति नहीं है। कभी ख्याल आ गया तो आंख बंद करके बैठ गए, नहीं तो रात दिन बाल बच्चे दुनिया मस्त हो गए, कभी कभी ख्याल आया तो बस भजन बैठ गए, तो ये भजन नहीं होता है। वो भजन कहते हैं कि एक किसी कोई रोज खड़ा ना जाए, रोज रोज बैठे,
ये नहीं कि 4 दिन किया 2 दिन छोड़ दिया, 1 महीना बैठा तो 15 दिन छोड़ दिया, ऐसा करके हमारी तरक्की नहीं हो सकती और वो भजन नहीं बन सकता है। रोज रोज जैसे हम खाना रोज रोज खाते हैं, क्या किसी को बुलाने की जरूरत पड़ती है? पेट ही जवाब देता है, अपने आप जाके बैठ जाते हैं। फिर वैसे ही भजन रोज रोज करना, 2 घंटा 2.5 घंटा। और गुरु गुरु करते हुए दुनिया में कारोबार करना, ऐसा प्रेमी जो गुरु को पहले दुनिया को पीछे देखता है, तो उसके लिए गुरु दया करता है। और जो दुनिया को पहले गुरु के पीछे देखता है तो उनके ऊपर कैसे दया होगा? कभी दया नहीं हो सकती, क्योंकि दुनिया का मालिक काल है, तो काल उनके ऊपर दया करता है, गुरु नहीं करता है। तो यही कारण है कि हम गुरु कृपा से दूर हो जाते हैं। और प्रारब्ध जब हम भुगतते हैं, हमारे ऊपर दुख मुसीबतें आती हैं, तो हम गुरु के ऊपर दोष देते हैं कि हम इतने पुराने सत्संगी हो गए, हमारे को इतनी मुसीबत आ गई, गुरु ने दया नहीं किया, छोड़ो गुरु को। तो हमारी भक्ति कहाँ तक है? गुरु का रिश्ता आत्मा से है, तुम्हारे कर्मों से नहीं है, तुम्हारा कर्म तुम्हें ही भुगतना है, आत्मा से है। आत्मा की जवाबदारी गुरु अपने हाथ में लिया है। मरते समय कोई भी ना आवे, लेकिन गुरु जरूर आता है, उसकी ड्यूटी है। अंदर दर्शन देके उस आत्मा को ऊपर के मंडल में लेके जाता है, उस समय तो जरूर आता है। चाहे कोई आवे ना आवे, दुनियादार तो नहीं आते, दंदौलत तो नहीं आती, लेकिन एक साथी आपका है, वो आपका साथ निभाता है, वो गुरु है। सब छोड़ देता है, गुरु नहीं छोड़ता है। तो कहते हैं गुरु आत्मा की जवाबदारी लेता है, गुरु तुम्हारे संसार की जवाबदारी नहीं लेता है। जो कर्म तुम करोगे तुम्हें ही भोगना पड़ेगा, इसीलिए कर्म जो करो करोगे तुम उसे फिर भोगना भरना, हमको ही भोगना भरना है, उसमें गुरु हाथ नहीं डालेगा, तो आपको दर्द होएगा। तो इसीलिए कहते हैं भाई भक्ति करो। अगर हम रोज 2.5-3 घंटे बैठक बनाते हैं तो हमारे बहुत सारे क्रियामान कर्म कट जाते हैं। प्रारब्ध नहीं कटेंगे, प्रारब्ध का शरीर से मतलब है, वो तो लास्ट तक आपको भुगतना ही, हिसाब देना ही पड़ता है। क्रियामान कर्म कटते हैं भजन से, जो हमने इस शरीर में किया है वो कटते जाते हैं, तो वो सब लास्ट टाइम में भुगतने की जरूरत नहीं पड़ती है। और अंत समय हम बड़े आराम से जाते हैं, मरते समय हंसते हुए जाते हैं। अगर नहीं करेंगे तो सारे क्रियामान कर्म ऐसे ही रह जाएंगे, और उसे बीमारी के रूप में, तकलीफ के रूप में हिसाब चुकाना पड़ता है, तो बड़ा दर्द होता है। तो इसीलिए महात्मा कहते हैं कि भाई करो, आपको बड़ा अच्छा समय परमात्मा ने आपके हाथ में दिया है।